जी जी मैंने आपको फोन किया था, न्यूज़पेपर में आपका एड देखा था कि आप। तुम कविता प्रजापति हो? जी हाँ। हाँ अंदर आओ। तुम्हारे पिता का नाम दिनकर प्रजापति और माँ का नाम रेणुका प्रजापति, उन दोनों की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में, माफ करना लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऋषिकेश के नवजीवन अनाथ आश्रम से गोद लिया था? जी हाँ ये बात मालूम है मुझे, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अपना दाहिना हाथ बताना, ऐसे नहीं उल्टा करके। तुम वही हो, वही हो तुम। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कौन हूं मैं? मैं तुम्हारे असली माँ बाप को जानता हूं। तुम अरबपति बिजनेसमैन मनोहर सेठिया की जायदाद की इकलौती वारिस हो। तुम्हारे पिता राघव सेठिया की मौत तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी और तुम्हारे दादा मनोहर सेठिया ने तुम्हारी माँ राधा को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें तुम्हें पैदा होते ही ऋषिकेश के नवजीवन अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और वहीं पे मैं तुम्हारी माँ को मिला। लेकिन ये सारी कहानी आप आज मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि 8 महीने पहले मनोहर सेठिया ने अपनी पूरी जायदाद अपनी पोती के नाम कर दिया और 5 महीने पहले उसके साथ उसकी पोती की तस्वीर इस अखबार में आई थी। देखो इसे, मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि ये लड़की सही है और इसीलिए उनकी असली वारिस को मैं उनसे मिलाना चाहता हूं। अगर आपकी सारी कहानियां खत्म हो चुकी हो तो मैं अब जाऊं? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि आपने ऐसी कोई कहानी सुनाने के लिए मुझे यहां पर बुलाया है तो मैं यहां कभी नहीं आती। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम राहुल चंद्रा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। आपको इससे क्या मतलब है? तुम भी अजीब हो यार, जब वो स्वामी इतना कह ही रहा है तो उसकी बात मानने में हर्जी क्या है? वैभव तुम भी ना, कहां वो अरबपति मनोहर सेठिया और कहां मैं, देखते नहीं हो आजकल कैसे कैसे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं। रुको मैं देखती हूं। नमस्कार कविता जी, मेरा नाम राहुल चंद्रा है, मैं मनोहर सेठिया जी की तरफ से आया हूं। क्या आप स्वामी सदानंद से मिलने गई थी? जी इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि वो स्वामी एक फ्रॉड है, प्लीज आप उसकी बातों में मत आइएगा, यही आपके लिए अच्छा। देखिए मुझे उनकी बातों में आना है या फिर नहीं आना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और हाँ आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको है, क्योंकि मिस्टर सेठिया को उनकी असली पोती मिल चुकी है, लेकिन ये स्वामी अभी भी ये प्रूव करने पर तुला है कि उसकी पोती कोई और है। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ मुसीबतें नहीं चाहिए तो आगे से स्वामी से मत मिलेगा। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। क्या आप दोनों को पूरा विश्वास है इस बात पर कि जिस व्यक्ति ने आप पर हमला किया उसी ने आपको धमकी दी? जी हाँ
फिर तो आपको तुरंत FIR दर्ज करवाना चाहिए था उसके विरुद्ध। नहीं पाठक जी, ये बात हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इस बात को ज्यादा पब्लिसिटी देना नहीं चाहते। स्वामी जी, अगर आपको अपने आश्रम की प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो मिस्टर मनोहर सेठिया के वारिस को खोजने के लिए आपने अखबार में विज्ञापन क्यों दिया? दरअसल मैं मानता हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मनोहर सेठिया को उनके असली वारिस से मैं मिलवाऊँ। ऐसी पर इस विषय पर आपके विचार क्या है? जी, मेरे लिए तो अजीब सी सिचुएशन है। जब मैं स्वामी जी से मिलने गई और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई तो सच पूछी मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। लेकिन राहुल चंद्रा के घर आने के बाद से मुझे भी लगता है कि इस बात में कुछ तो सच्चाई है। यदि आप चाहें तो कविता के वकील के तौर पर आप इसे इसका हक दिला सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मनोहर सेठिया से बात करके एक बार सच्चाई बताने की कोशिश तो कीजिए। दादाजी, आपके दवा लेने का वक्त हो गया, लीजिए दवाई ले लीजिए। तू मुझे वापस मिल गई है ना, तो मुझे किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब बहाने मत बनाइए और चुपचाप मेरे अच्छे दादू की तरह दवाइयाँ ले लीजिए। चलिए। अरे नहीं बेटा, नहीं। चाचा जी, मिस्टर KD पाठक आ गए। अरे तो क्या मैं यहाँ से उठकर बाहर उनके स्वागत के लिए आऊँ? अरे वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं नहीं। आप मुझ पर हमेशा इस तरह भड़कते क्यों? मैं तो सिर्फ यही कहने आया था कि क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं या फिर। अरे भेज दो उन्हें अंदर। दादाजी, आप दिवाकर से ऐसे बात क्यों करते हैं? वो आपका सगा भतीजा है, उसे बुरा लगता होगा। भतीजे के साथ साथ वो मेरा सेक्रेटरी भी है, और अगर सेक्रेटरी पे रोब जमाने को ना मिले तो सेक्रेटरी रखने का फायदा ही क्या है? मिस्टर सेठिया। अरे मिस्टर KD पाठक। मिस्टर KD पाठक आइए, तशरीफ रखिए। अब उस ढोंगी स्वामी ने आपको अपॉइंट किया है? जी नहीं, मुझे अब तक किसी ने अपॉइंट नहीं किया। मैं तो केवल इतना जानने आया था कि पिछले 5 महीने से आपकी पोती दीपिका, सॉरी ज्योति कहाँ थी? मिस्टर KD पाठक, आपको ज्योति से सवाल करने का कोई हक नहीं। नहीं दादाजी, अगर उन्हें अपने मन का कोई शक दूर करना है तो। जब मुझे कोई शक नहीं है तो इन्हें क्या हक है शक जाहिर करने का? सुनो बेटी, तुम अपने रूम में जाओ। इन्हीं सारे र्यूमर से तंग आकर मैंने अपनी व्हील चेंज करने की सोच ली है। ऐसी मिस्टर KD पाठक, मेरी पहली व्हील के मुताबिक मैं अपनी जायदाद अपनी पोती के नाम से करने जा रहा था, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहा हूं। अब मैं अपनी सारी जायदाद अपनी पोती ज्योति के नाम से करने जा रहा हूं, और ये चेक। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर सेठिया कि आप स्वामी सदानंद जी के दावे से डर गए कि आपकी असली पोती ये दीपिका नहीं कविता है? इफ यू डोंट माइंड मिस्टर सेठिया, ऐसी कोई चाल मत चलिएगा जिससे आप ही को नुकसान हो। चेक एंड मेट। दिवाकर, अरे जल्दी आओ। जी चाचा जी। कविता को फोन लगाओ और उससे कहना कि कल शाम 7 बजे मैं उससे मिलना चाहता हूं। हाय। हाय। हाँ दिवाकर जी, बैठिए बैठिए। KD, ये आदमी तुम्हारे लिए 7 बजे से इंतजार कर रहा है। कहिए दिवाकर जी, क्या बात? जी, मुझे मिस्टर मनोहर सेठिया यानी कि मेरे चाचा जी ने भेजा है। इस एनवलप में आपके लिए 25 लाख रुपए का चेक है। तो आपके चाचा जी मुझे इस बात की घूस दे रहे हैं कि मैं स्वामी सदानंद की बातों में विश्वास न करूं। आपके चाचा जी सच्चाई क्यों नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि वो उनकी पोती है या नहीं? जी, ये सब बातें तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है इस तरह आप जैसे इंसान को रिश्वत देने की बात भी सोचते हुए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बोला गया है। ये लिफाफा आप अपने चाचा जी को लौटा दीजिएगा।
चाचा जी कहाँ है? मैं कमरे में होंगे। ओके थैंक यू। चाचा जी ज्योति जल्दी आओ, खून ज्योति जल्दी आओ। क्या हुआ? ये खून चाचा जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए ना। क्या हुआ? कमरे में अंधेरा है, शायद मेन स्विच से इस कमरे का स्विच ट्रिप हो गया है, उसे ऑन करो जल्दी। हाँ अभी जाती हूँ। मिसेज कविता प्रजापति, आज शाम 7 बजे आप मिस्टर मनोज सेठिया से मिलने गई थी। जी हाँ, पर बात क्या है? आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन क्यों? मिस्टर मनोज सेठिया खून हुआ है। उनके भतीजे दिवाकर सेठिया के हिसाब से आज शाम 7 बजे का आप ही का अपॉइंटमेंट था उनके साथ। तलाशी लो। चाकू का चाकू। मैंने स्वामी जी को फोन भी किया था, उन्होंने कहा कि वो 6:30 बजे मिस्टर सेठिया को मिलने जाएंगे और 7 बजे मुझे भी वहीं मिलेंगे। पर जब मैं वहां पहुंची तब वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और मैं वापस चली आई। और तभी से स्वामी जी लापता है। इसका मतलब? इसका मतलब आप बहुत ही गंभीर समस्या में। योर ऑनर, मिस्टर मनोहर सेठिया का खून सिर्फ और सिर्फ उनकी बेशुमार जायदाद को हासिल करने की एक लड़ाई है। 8 महीने पहले ये लड़ाई शुरू हो गई जब उन्होंने अपनी सारी दौलत अपनी खोई हुई पोती के नाम करने की सोची। 5 महीने पहले उनकी खोई हुई पोती मिल भी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन कविता प्रजापति यानी कि ये लड़की स्वामी सदानंद के कहने पर अपने आप को मिस्टर मनोहर की पोती साबित करने की कोशिश करती है। और जब ये इनका प्लान कामयाब नहीं होता तो 3 नवंबर शाम 7 बजे मिस्टर मनोहर के उसी बंगले पे पहुंचती है और उनका खून करती है। Your Honor, इसमें इनका बराबर का साथी है स्वामी सदानंद जो अब फरार है। Your Honor, ये सब झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो क्या 3 नवंबर की शाम 7 बजे आप सेठिया के बंगले पर नहीं गई थी? मैं वहां गई जरूर थी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया था। पर जब मैं वहां पहुंची तब वहां कोई नहीं था। कोई है? मिस्टर सेठिया? मैं अपने पहले विटनेस इंस्पेक्टर दवे को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इसे जानते हो? जी हाँ, इसी चाकू से मिस्टर मनोज सेठिया का खून हुआ है। और ये सेट? जी सेट हमें कविता प्रजापति के घर से मिला। गिरौनर, खून का ये हथियार ये चाकू इसी सेट का है।
ये। ऑर्डर ऑर्डर। और जैसे कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक जानते हैं कि इस चाकू पर सिर्फ और सिर्फ कविता के फिंगरप्रिंट्स हैं। योर ऑनर, मुझे नहीं मालूम ये चाकू वहां पहुंचा कैसे। मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये हमारे घर से गायब कब हुआ। मिस्टर मनोहर से कविता प्रजापति का 7 बजे का अपॉइंटमेंट, उनके चाकू का लाश के सीने से पाया जाना, उस पर उन्हीं के उंगलियों के निशान होना, ये यही साबित करता है कि खून मिसेस कविता प्रजापति ने ही किया हुआ। और तो और योर ऑनर, इस अदालत में ऐसा एक गवाह मौजूद है जिसे मिसेस कविता प्रजापति और स्वामी सदानंद जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसकी भनक थी। मिस्टर राहुल चंद्रा, 1 नवंबर की शाम आप स्वामी सदानंद से मिलने गए थे। जी हाँ, मिस्टर सेठिया ने खुद मुझे वहां जाने के लिए बोला था, क्योंकि स्वामी सदानंद ये बात प्रूव करने पर तुला था कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो स्वामी सदानंद था ही नहीं, वो एक फ्रॉड था। और वो इस लड़की को मिस्टर सेठिया की पोती बनाकर उनके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। स्वामी सदानंद फ्रॉड है ये पता करने के बाद आपने क्या किया? जी, मैंने कविता और इनके हस्बैंड को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो फ्रॉड स्वामी की बातों में ना आए, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि ये खुद उस पाखंडी के साथ मिलकर मिस्टर सेठिया की हत्या कर देगी। ये विटनेस प्लीज। मिस्टर चंद्रा, कृपया कर अदालत को बताएं कि क्या कार्य करते थे आप मिस्टर सेठिया के लिए। जी, 1 साल पहले मिस्टर सेठिया ने मुझे अपनी पोती को ढूंढ निकालने के लिए बोला, और जब मैंने उनकी पोती को ढूंढ निकाला तो उन्होंने अपने बिजनेस की देखभाल करने के लिए मुझे अपने पास ही रख लिया। वेरी गुड। और किस प्रकार आपको पता चला कि स्वामी सदानंद एक ढोंगी है, फ्रॉड है? क्योंकि मैंने ये पता कर लिया था कि मिस्टर सेठिया की बहू ने अपनी 2 महीने की बच्ची को हरिद्वार के एक अनाथ आश्रम में स्वामी सदानंद के पास छोड़ा था, और उस स्वामी की मौत आज से 6 महीने पहले हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि ये आदमी स्वामी सदानंद नहीं, एक फ्रॉड था। फिर तो स्पष्ट है मिस्टर चंद्रा की, जब आपको ये पता चला होगा कि स्वामी सदानंद एक ढोंगी है, फ्रॉड है, तब आपने ये पता लगाने का प्रयास अवश्य किया होगा कि असल में वो कौन है। क्या था? जी नहीं, ये तो पता नहीं लग सका। क्यों पता? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बेकार सवाल पूछकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों का इस केस से क्या था? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। योर ऑनर, मिस्टर राहुल चंद्रा के बयान से साफ होता है कि मिसेस कविता प्रजापति उस बेरुपिया के साथ इस भयानक हत्याकांड में शामिल थी। दोनों ने एक प्लान बनाया और उस शाम मिसेस कविता प्रजापति ने बेरहमी से मिस्टर मनोहर का कत्ल किया। योर ऑनर, डिफेंस को अब भी कोई शक है तो मैं डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? जी हाँ, इसी चाकू से मिसेस सेठिया का कत्ल हुआ। मिस्टर सेठिया पर 4 बार इस चाकू से स्टैब किया गया। एक बार तो उनके हार्ट के पास स्टैब किया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। डेथ क्या टाइम हुआ था? डेथ का एग्जैक्ट टाइम बताना तो मुश्किल है, पर लगभग 7-8 बजे के बीच उनकी मौत हुई। योर ऑनर, और इस वक्त मिस्टर सेठिया के घर पर कविता प्रजापति के अलावा और कोई नहीं था। डॉक्टर रस्तोगी, जिस समय मिस्टर सेठिया की हत्या हुई उस समय मिस्टर सेठिया किस अवस्थिति में थे? खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे? योर ऑनर, ये कैसा बेतुका सवाल है। मिस्टर पाठक क्या प्रूव करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूं कि उस शाम अंततः हुआ क्या। कविता पहली बार मिस्टर सेठिया से मिलने गई थी, तो क्या वहां पहुंचने पर सीधा चाकू से लेकर इन्होंने मिस्टर सेठिया जो अपने अध्ययन कक्षी कुर्सी पर बैठे हुए थे उन पर वार कर दिया, उन पर हमला कर दिया? एक बार नहीं, 4 बार।
और मिस्टर सेठिया ने अपना बचाव करने की कोई चेष्टा नहीं, असंभव है यार। ऐसा हो सकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जब उन्हें चाकू मारा गया था उस वक्त तो बेहोश थे। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, बेहोशी उनकी किस कारण से थी, क्यों अचेत थे वो? उनके मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें हाइपर एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्हें एक हल्का डोज स्लीपिंग पिल्स का खाना पड़ता था। लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा रखी थी जिसकी वजह से वो बेहोश थे। तो डॉक्टर रस्तोगी की बात का क्या तात्पर्य निकाला जाए योर ऑनर, कि जब कविता मिस्टर सेठिया से मिलने गई सर्वप्रथम इन्होंने मिस्टर सेठिया को नींद की गोलियां खिलाई, फिर दवा का प्रभाव होने के बाद इन्होंने चाकू से उन्हें घोपा 4 बार, और चूंकि मिस्टर सेठिया की लाश उनके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर मिली तो क्या कविता ने उनके मृत शरीर को वहां तक घसीट कर छोड़ा ताकि उनका लहू बहकर कमरे से बाहर निकले, ताकि किसी को यह ज्ञान हो कि कमरे के अंदर किसी की हत्या हुई है? इट्स एब्सर्ड योर ऑनर। मनगढ़ंत कहानी है यार, और जैसा कि पाया गया है कि उनकी लाश बरामद होने के समय उनका अध्ययन कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद था, तो जिस हत्यारे की चेतना इतनी जागी हो कि वो दरवाजा अंदर से ताला लगाकर बाहर निकला, क्या वो निशानी के रूप में वो चाकू उनकी छाती में छोड़ जाएगा योर ऑनर? योर ऑनर, मिस्टर सेठिया को नींद की दवाई सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जो उनके सबसे नजदीक था, उनके भतीजे मिस्टर दिवाकर सेठिया। जी, उस दिन मैं 6 बजे घर से निकल गया था और मुझे पहले चाचा जी के वकील से मिलना था। चाचा जी नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी नई विल बनाना चाहते थे। मिस्टर सेठिया का नया इच्छा पत्र। आपको दिवाकर जी इस नई वसीयत के बारे में जानकारी थी, तो ये ज्ञान भी अवश्य रहा होगा कि वो अपनी पूरी संपत्ति किसके नाम करना चाहते थे। जी हाँ, मैं जानता था। राइट, तो अपने वकील के मिलने के बाद फिर आपने क्या किया? सर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 7 बजे तक आपकी ऑफिस में बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उसके बाद तकरीबन 8:30 के आसपास मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि दिवाकर जी आपके चाचा जी उग्र उत्सुकता हाइपर एंजाइटी के मरीज थे, इस बात की जानकारी थी? जी हाँ, मैं जानता था। और इसीलिए आप उन्हें नींद की गोलियां खिलाया करते? जी नहीं, उन्हें दवाइयां मैं नहीं, ज्योति दिया करती थी। जी हाँ, मैं ही उन्हें दवाई देती थी, लेकिन उस दिन मैंने उन्हें दवाई नहीं दी थी। इनफैक्ट मैं घर पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई थी? जी, वो मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, उस दिन उसी एनजीओ की मीटिंग अटेंड करने गई थी और लगभग 8:15 बजे तक घर वापस लौट आई थी। और ये है एनजीओ के सारे मेंबर्स की स्टेटमेंट। किराना, मिस्टर केडी पाठक सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दीपिका यानी कि ज्योति सेठिया के बयान से साफ जाहिर है कि जब कविता प्रजापति सेठिया के बंगले पर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। खुद कविता ने भी यही बात कही है। सारे बयान से साफ जाहिर है कि मिस्टर सेठिया का खून कविता प्रजापति के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना फैसला सुनाए। अगली सुनवाई तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। जैसे कि आपने कहा, राहुल, ज्योति, कविता और दिवाकर, इन सब के बैकग्राउंड्स के बारे में हमने पता कर लिया है और इनके घरों की तलाशी भी कर ली। ये देखिए सर, बहुत ही दिलचस्प बातें पता चली। इंटरेस्टिंग। और स्वामी जी का कोई पता चला? सर, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम कर, उनके लॉज जा, वहाँ वॉचमैन का रजिस्टर, रिसेप्शन का रजिस्टर, CCTV फुटेज, टेलीफोन रिकॉर्ड्स सब चेक कर, मुझे बता। राइट सर।
योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ही यह साबित हो गया था कि कविता प्रजापति ने ही मिस्टर सेठिया का कत्ल किया है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना फैसला सुनाइए। राणे साहब, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप? धीरज रखिए जरा। योर ऑनर, मैं दिवाकर को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। इजाजत है। दिवाकर जी, आप ज्योति उपनाम दीपिका को कब से जानते हैं? यही कुछ 5-6 महीने से, जब से वो हमारे घर आई है। 5-6 महीनों से या कई वर्षों से? सर, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ दिवाकर जी कि आपने दीपिका के साथ मिलकर मिस्टर सेठिया को मारने का यह षड्यंत्र रचा, और यह अवसर पाते ही आपने बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या कर। क्या बकवास है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि दिवाकर जी, उनके भतीजे होने के नाते आपको उनकी धन संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी, और जब आपको ये बात पता चली कि वो अपनी सारी धन संपत्ति अपनी पोती के नाम कर देना चाहते हैं, तब आपने दीपिका को ज्योति बनाकर उनके समक्ष रख दिया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो ही उनकी पोती है, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास दिवाकर जी। योर ऑनर, दीपिका उर्फ ज्योति की हस्तलिपि में ये पत्र जो हमें इनके कमरे से बराबर लिखा है, मैं तुम्हारे सेठिया सेठ को विश्वास दिला चुकी हूँ कि मैं उन्हीं की पोती हूँ, जल्द ही सारी जायदाद हमारी होगी और फिर ऐश ही ऐश। ऑर्डर, ऑर्डर। ये लेटर दीपिका ने मुझे नहीं, किसी और को लिखा था। आप खुद ही देख लीजिए, उसमें मेरा नाम तक नहीं है, बल्कि ये लेटर मुझे दीपिका के कमरे से मिला था, जिसे मुझे ये पता चला था कि दीपिका चाचा जी की असली पोती नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि इस लेटर के जरिए मैं दीपिका को ब्लैकमेल करता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कातिल हूं। असली कातिल दीपिका है, उसे नहीं मारा होगा। योर ऑनर, इनकी बातों का खुलासा तो दीपिका ही आकर कर सकती है, लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं राहुल चंद्रा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर चंद्रा, आपने पूर्व कथन में आपने हमें बताया था कि आप ही ने स्वर्गवासी मनोहर जी की पोती ज्योति उर्फ दीपिका को खोज निकाला। अदालत को बताने का कष्ट करें कि इतना कठिन कार्य आपने कैसे किया। जी, इसके लिए मैंने सबसे पहले उस डॉक्टर को ढूंढा जिसने एक्सीडेंट के बाद मिस्टर सेठिया के बेटे राघव सेठिया को अटेंड किया था। उस डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि मिस्टर सेठिया की बहू राधा सहारनपुर में रहती थी। सहारनपुर जाकर मुझे पता लगा कि मिस्टर सेठिया की बहू ने मरने से पहले अपनी 2 महीने की बच्ची को नवजीवन आश्रम के किसी स्वामी सदानंद को सौंपा था, और उनसे मुझे पता लगा कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती है। सो उसके बाद कि उसके कुछ दिनों बाद स्वामी सदानंद की मौत हो। तो चंद्रा साहब, जब आप स्वामी जी उस ढोंगी से मिलने उनकी लॉज गए थे, आप तुरंत भाप गए होंगे कि वो असल स्वामी नहीं ढोंगी? जी, मैं उन्हें देखते ही पहचान गया कि वो एक फ्रॉड था और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या ये निकाला जा सकता है कि स्वामी जी से मिलने से पहले आप दीपिका को नहीं जानते थे? क्या ये कहना सही है? नहीं, मैं उसे कैसे जान सकता हूं? आश्चर्यजनक बात है मिस्टर चंद्रा कि आप उन्हें जानते भी नहीं थे, फिर भी 4 वर्ष पहले 21 अगस्त 2007 औरंगाबाद कोर्ट में आपने उनके साथ मिला। ये आप क्या कह रहे हैं? वास्तविकता बता रहा हूं मिस्टर चंद्रा, आप अपने ही विवाह संबंध को भूल गए। कोई बात नहीं, स्मरण करा देते हैं। योर ऑनर, औरंगाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस से मिला हमें ये मिस्टर चंद्रा और दीपिका के विवाह का प्रमाण पत्र है। योर ऑनर, ये पूरा खेल इन्हीं का खेला हुआ है, इन्हीं ने
दीपिका को ज्योति बनाया और मिस्टर सेठिया को यह विश्वास दिलाया कि वो ही उनकी पोती है। और जब मिस्टर सेठिया को यह पता चला कि दरअसल वो उनकी पोती नहीं है, तो बड़ी चालाकी से इन्होंने मिस्टर सेठिया की हत्या कर दी। जी, मैं ये मानता हूँ कि मैंने दीपिका को ज्योति बनाकर मिस्टर सेठिया के घर में प्लांट किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैंने मिस्टर सेठिया का कत्ल नहीं किया। बल्कि सच तो ये है कि मैं उस दिन यहाँ था भी नहीं। मिस्टर सेठिया ने मुझे बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली भेजा था। और ये इस बात का सबूत है योर ऑनर, उस मीटिंग में मौजूद सारे बिजनेस एसोसिएट्स का स्टेटमेंट। चलिए योर ऑनर, मान लेते हैं कि मिस्टर चंद्रा उस दिन दिल्ली गए थे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन्होंने धन संपत्ति की लालसा में आकर दीपिका को ज्योति बनाया और मिस्टर सेठिया के साथ छल किया, और इस अपराध का दंड इन्हें मिलना चाहिए। योर ऑनर, यहाँ मिस्टर सेठिया के कत्ल का केस चल रहा है, और ना ही इस बात का कि किसने उन्हें धोखा दिया और किसने नहीं। मिस्टर राहुल चंद्रा, अब आपको कुछ कहना है? अदालत में गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना एक गुनाह है, और मिस्टर सेठिया की दौलत के लालच में किसी गलत वारिस को सामने लाना बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए यह अदालत मिस्टर राहुल चंद्रा पर अलग से फोर्जरी का केस चलाने का हुक्म देती है। पुलिस को अभी स्वामी सदानंद की लाश मिली। ऑर्डर, ऑर्डर। इस नए खुलासे की वजह से आज अदालत की कार्रवाई यहीं पर बर्खास्त की जाती है। इस केस की सुनवाई अब स्वामी सदानंद की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, उस शाम स्वामी जी को जिसने फोन किया था उसका पता चल गया है। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स, और सर ये लॉज की सीसीटीवी फुटेज। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्वामी जी से कौन मिलने आया था और वो किसके साथ बाहर गए थे। मनोहर सेठिया के घर जाना होगा। सर, कमरे की लाइट स्ट्रिप थी और दिवाकर ने ज्योति को मेन स्विच ऑन करने के लिए कहा था। मेन स्विच वहां है सर, और पुलिस को लाश यहां मिली। एक बात और सर, ज्योति से पहले दिवाकर ने खून को यहां देखा था। ये देखा, इस खून की जांच करवा। एक और बात, वहां मेन स्विच तक जाने और वापस आने में कितना समय लगता है? सर, अराउंड 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। दिवाकर जी, कृपया कर अदालत को एक बार फिर बताइए कि 3 नवंबर के शाम 7 बजे आप कहां थे? जिस शाम चाचा जी का खून हुआ उसी शाम 7 बजे मैं आपके ऑफिस आया था। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे भेजा था आपको रिश्वत देने के। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। स्वयं अपनी इच्छा से मेरे ऑफिस आए थे, क्योंकि आप जानते थे कि उसी शाम ठीक 7 बजे कविता मिस्टर सेठिया से मिलने आपके घर आने वाली है। इसीलिए अपने बचाव के लिए आप मुझे साक्षी के रूप में अदालत में खड़ा करना चाहते थे, इस कारण आप उस समय मेरे ऑफिस में। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इससे यह प्रूव होता है कि मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में क्यों गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कत्ल के वक्त भी मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में ही थे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चलिए दिवाकर जी, ये बताइए कि क्या आप स्वामी सदानंद को जानते थे? जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। नहीं जानते थे, तो फिर आपने 3 नवंबर की शाम 5 बजे उन्हें उनके लॉज के फोन पर कॉल क्यों किया? क्या मैंने कॉल किया था? जी हाँ, मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था। आप ही ने कॉल किया था योर ऑनर। ये उसी लॉज के फोन रिकॉर्ड
जिससे ये प्रमाणित होता है कि 3 नवंबर के शाम 5 बजे इन्होंने लॉज के फोन पर स्वामी सदानंद को फोन किया था। केवल इतना ही नहीं, फोन करने के बाद ये उनसे मिलने भी गए। मैं उनसे मिलने नहीं गया था और मैंने उन्हें कोई कॉल भी नहीं किया था। इनफैक्ट मेरे फोन से किसी और ने कॉल किया होगा, और पहले भी ये मैं कोर्ट में कह चुका हूँ कि मैं 6:30 बजे चाचा जी के लॉयर से मिलने गया। अच्छा, अगर आप अपने चाचा जी के लॉयर से मिलने गए थे तो उस लॉज के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आप स्वामी सदानंद के साथ कैसे हैं? देखिए, ऑर्डर 3 नवंबर शाम ठीक 6 बजे स्वामी सदानंद जी के साथ आपका ये चित्र उन्हीं के लॉज पर। और इतना ही नहीं, फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, स्वामी जी की मृत्यु 6 और 6:30 के बीच में हुई। अनुसंधान से ये पुष्टि भी हो चुकी है कि वे ही असली स्वामी सदानंद जी थे। अब आप क्या कहेंगे मिस्टर सेठिया? हाँ, मैं स्वामी सदानंद से मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका खून किया। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं चाचा जी मिस्टर मनोहर सेठिया का भी नहीं। आप ही के हिसाब से मैं 6 से 6:30 बजे तक स्वामी सदानंद के साथ था। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपके ऑफिस में बैठा, और उसके बाद तकरीबन 8:20 को मैं घर पे पहुंचा और वहां पे मैंने दीपिका को देखा। तो जाहिर सी बात है कि मैं खून कैसे कर सकता हूं। क्या बात है मिस्टर सेठिया, प्रशंसा करनी पड़ेगी आपकी इस गणित की, इस इवैल्यूएशन की, और आपके इस अद्भुत फुल प्रूफ योजना की। लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरह हर अपराधी कोई ना कोई भूल कर जाता है, उसी तरह आपसे भी एक चूक हो गई। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझाता हूँ योर ऑनर। दिवाकर जानते थे कि उस शाम 7 बजे मिस्टर सेठिया ने कविता को अपने घर बुलाया था मुलाकात के लिए। उस समय तक दिवाकर ये भी जान चुके थे कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती नहीं, उनकी असली पोती कविता है। और इस बात को सिर्फ केवल स्वामी सदानंद स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी की हत्या की धारणा लेकर इन्होंने स्वामी जी को फोन किया और उन्हें मिलने गए। दिवाकर ने अपनी योजना को गति कुछ इस प्रकार दी है। कत्ल के एक रात पहले जब कविता स्वामी सदानंद जी से मिलने गई थी, ये इनके घर में घुसी और इस सेट से उस छुरी को चुराया जिसका प्रयोग कविता किया करती थी, जिसके कारण इनकी उंगलियों के निशान उस पर थे। और कत्ल के दिन दीपिका के घर से बाहर जाने के बाद इन्होंने पानी में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिलाकर मिस्टर सेठिया को बताई। स्वामी सदानंद जी से मिलने गए। मिस्टर केडी घुमा फिरा कर वही बात कोर्ट में कह रहे हैं। यह बात पहले ही साबित हो चुकी है कि 7 बजे से 8 बजे तक मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में ही थे। प्रोसिक्यूशन की बात 100% सच है योर ऑनर, किंतु 8:15 बजे जब दिवाकर मिस्टर सेठिया के घर पहुंचे, इन्हें वहां दीपिका मिली। दोनों ने
मिस्टर सेठिया के अध्ययन कक्ष के दरवाजे के नीचे खून देखा। दरवाजा खोलने पर जब कमरे में अंधेरा पाया गया तो बड़ी चतुरता से दिवाकर ने दीपिका को घर के मुख्य स्विच के जांच के लिए भेजा। वहां ट्रिप स्विच ऑन करके लौटने में दीपिका को जितना समय लगा, उसी समय में दिवाकर ने इसी चाकू से मिस्टर सेठिया के शरीर पर 4 बार घाव किए। और क्योंकि मिस्टर सेठिया बेहोश थे, उनके मुंह से कोई चीख नहीं निकली, दीपिका को कुछ पता नहीं चला। सब बकवास है ये। मिस्टर केडी कहानी बना रहे। उस दिन मैंने और दीपिका ने दरवाजे के नीचे खून देखा था। मैं चिल्लाया, कोई जवाब ना आने पर मैंने दरवाजा तोड़ दिया। उससे पहले चाचा जी का खून हो चुका था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर दिवाकर सेठिया, और यही आपकी चूक भी हो गई। वो खून आप ही ने मिस्टर सेठिया के दरवाजे के नीचे डाला था। आपने सोचा था कि वो खून क्योंकि मिस्टर सेठिया के शरीर के आसपास मिलेगा, सबको ये लगेगा कि वो खून मिस्टर सेठिया का ही है। और जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस ने मिस्टर सेठिया के शरीर को उठाने के बाद उस खून को साफ कर दिया, लेकिन मुझे वहां उस खून के कुछ कंध मिले जिसकी जांच करवाने से ये पता लगा है योर ऑनर कि वो खून मिस्टर मनोहर सेठिया का था ही नहीं, वो खून मिस्टर दिवाकर सेठिया ने ब्लड बैंक से खरीदा था। और ये रही उसकी रसीद। बोलिए मिस्टर सेठिया, ऐसा ही हुआ था या नहीं? मैंने ही मेरे चाचा जी का खून किया और मैंने ही स्वामी सदानंद को मारा। क्योंकि मुझे पता था कि दीपिका असली ज्योति नहीं है और चाचा जी दीपिका के नाम सारी दौलत करने वाले थे। और मैं ये भी जानता था कि कविता असली ज्योति है, और मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों में से किसी को भी जायदाद मिले। और क्यों मिले? 15 साल से रात दिन चाचा जी के साथ मैं था। मैंने उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, और बदले में मुझे क्या मिला? सबके सामने बेइज्जती और एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनका खून कर दिया और इल्जाम डाल दिया कविता पर। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत दिवाकर सेठिया को स्वामी सदानंद और मिस्टर मनोहर सेठिया के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। अपनी पूरी जांच और तसल्ली के बाद कविता प्रजापति को मिस्टर मनोहर सेठिया की जायदाद का वारिस मानती है, और यह अदालत कविता प्रजापति को बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.